जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा के प्रवेश परामर्श केंद्र और प्रदर्शनी का दशहरा मेला कोटा प्रांगण में शुभारंभ हुआ। कलेक्टर एमपी मीणा, एसपी सिटी शरद चौधरी और एसपी ग्रामीण काविंद्र सागर ने विश्वविद्यालय के चेयरमैन आरजी मीणा के साथ प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और बाद में सभी ने इसका अवलोकन किया। चेयरमैन आरजी मीणा ने इस दौरान बताया कि विभिन्न संस्थानों से निःशुल्क शिक्षा के लिए एमओयू करते हुए जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय ने 250 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का बीड़ा उठाया और साथ ही नई शिक्षा नीति को लागू भी किया, जिसके तहत एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश का नियम लागू होने के बाद कई सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए। उन्होंने बताया कि परामर्श केंद्र और प्रदर्शनी के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा के इसी प्लेटफॉर्म को जन जन तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया। आज सबसे बड़ी हायर एजुकेशन की जो चैलेंजेज है उसमें रोजगार है और हमारा उद्देश्य रोजगार को सर्वोत्तम प्राथमिकता देते हुए 10 सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए हैं और 10 सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ साथ हमने प्रोफेशनल कोर्सेज कुछ इस प्रकार से शुरू की हैं। आपका फिजियोथेरेपी का है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, लाइब्रेरी साइंस है, होटल मैनेजमेंट का, जिसका कोटा में बहुत बड़ा व्यापक स्कोप है। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूँ कि जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रोजगार को केंद्रित करते हुए कई विश्वविद्यालय से अपने आप को अलग साबित करेगा।